आपने बीच में से क्यों स्टार्ट किया है? इधर से करने का था ना। ठीक है ना, राहुल देना क्या पड़ता हो? राहुल दे का है, थम अभी करते। ए, उतरो उतरो उतरो। अरे उतरो। अरे ये घोड़ा अलग है, इस पे डबल सीट नहीं बैठ सकते। मैं वहाँ पे करता हूँ, मैं उतरता हूँ, बाद में तुम करना, पहले मुझे खत्म करने दो। करा बीच में से कोई करता है? हळू हळू उडतंय। अरे ते रोल ना घसरला असा तिकडे। जरा क्या बात है तारक, मतलब दीवार पे कुछ आर्टिकल लिखने के इरादे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? किस उलझन में फंसे? ये क्वेश्चन मार्क क्यों कर दिया? अरे यार, दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, घर कब मिलेगा? और दिमाग का जो सवाल है वो दीवार पे उतर गया। तारक सपनों से सजाओ, घर जल्दी मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी कलर करो। जा झार के। अरे बोले बेटा, सीढ़ी मत लो। या बेबी, इट्स रिस्की। क्यों बेटा, ये सीढ़ी हम लोग के लायक नहीं है। हाँ, टूट जाएगी। और तो फिर मम्मी ऊपर का कलर कैसे करेंगे? बेबी, ऊपर कलर करने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। हाँ सही बात है बेटा, तुम यहाँ कलर करो। हाँ, गुड बॉय। जा झार के। वाह, अगर सुंदर हीरा को अभी बुला लेते ना तो फटाफट सब जगह रंग कर देता। अरे भाई, वो रंग नहीं, वो चूना लगा था। क्या मेरा मतलब है, उसको क्यों तकलीफ देनी, हम लोग कर लेंगे ना। हा? वो बिजी आदमी, उसके 50 धंधे चलते उधर है। अरे तू ऐसा सीधा सीधा कर, आडा क्या कर रही है? क्या है? ऐसा ऐसा सबके घर का कलर अच्छे से हो गया बाबूजी, हो गया। हाँ बिल्कुल, सब फिनिश। चाचा जी, सबके घर का कलर हो गया, बस एक हाथी भाई के घर का बाकी है, तो अब्दुल गया मदद करने के लिए, तो मुझे लगता है उनका भी हो जाएगा फटाफट। आ गए हम लोग भी आ गए। हमारे घर का भी काम कंप्लीट हो गया कलर का। मुकादम भाई को बोल दो कि आगे का काम पूरा करे और हमको हमारा घर दे दे। हाँ, लेकिन ये बाबूबा है कहाँ? ओ बाबू ब्रज दे। अरे मैं यहाँ हूँ, दीवार जोड़ के उसमें कलर कर रहे थे। अरे बाबू भाई, हम सबने अपने अपने घर में कलर कर दिया है, तो अब 16 तारीख को हमें हमारा घर मिल जाएगा ना बाबू भाई? बाबू भाई, 16 तारीख का ही मुहूर्त है ना, उसके बाद 3-4 महीने मुहूर्त नहीं है, याद है ना? हाँ। वो मैं देख लेता। आप लोगों को डेकोरेशन का जो भी काम करवाना है उसका सामान हमें ला कर दे दीजिए, जैसे कि झूमर लगाना है, फोटो फ्रेम्स लगानी है, लाइट्स लगानी है, जो भी है वो ला कर हमें दे दीजिए, मैं फिट करवा दूंगा। अरे हाँ, लाना ही पड़ेगा ना तारक, जैसे श्रृंगार के बगैर दुल्हन अधूरी लगती है, वैसे सजावट के बगैर घर भी थोड़ा सुना ही लगता है ना, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी भाई। वाह, अंजलि भाभी वाह, क्या बात कही आपने, क्या बात है। अरे लेकिन सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे हम सब साथ साथ यहाँ तक आ गए हैं, तो ये आखिरी पड़ाव भी पार कर लेंगे। सही बात है। अब सब सामान लेकर आइए, मैं फिट करवा दूंगा। फिर आप सब अपने घर पे और हम हमारे घर पे। अरे कितने दिनों बाद घर जाएंगे। अच्छा सुनिए, जिस किसी को भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को नया लेना हो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना, मैं आप सबको भाव टू भाव में दे दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। अरे माधवी बाबी, कोई भी बिजनेसमैन भाव टू भाव कोई भी माल देता नहीं है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट ले ही लेता है। तो ठीक है, आप कहीं और से ले लेना। जल्दी से जाके सोसा भन की चीजें लेकर आते हैं। हाँ, चलो।